हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नेंस जॉब्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि TET क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किया है, हमसे पूछा है कि मुझे क्लियर आइडिया नहीं लग पाता TET के बारे में। हाँ, मुझे थोड़ी बहुत आइडिया है। TET एक प्रकार का देना पड़ता है, जिसे पास करना पड़ता है एज ए टीचर होने के लिए। तो मैं सब कुछ आपको पूरा कन्फर्म कर दे रहा हूँ आपके डाउट्स कि TET कब आया, कैसे, और TET कराने के क्या उद्देश्य होते हैं, TET का मेन पर्पज़ क्या होता है, और कौन कौन इसे TET के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, जब कोई भी टीचर बनना चाहता था, खासकर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, तो या तो वो BEd करता था या तो BTC करता था। उसके बाद डायरेक्ट मेरिट के बेसिस पे उसको एज ए अपॉइंट कर लिया जाता था एज ए टीचर। फिर बाद में क्या हुआ, प्रोसीजर इसके विरोध में कई लोग आ गए, कई स्टूडेंट्स ये बोलने लगे कि ये सही नहीं है, मेरिट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। आपने BEd कर लिया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद BEd के बाद भी आप एक ऐसा टेस्ट लीजिए जिससे कि एकदम रियल स्टूडेंट्स वहाँ पे आएँ और वो पढ़ाने के लिए जा पाएँ। तो इसी के अवॉइड में वो TET लाया गया। तो TET जो है, आप जानते होंगे, पहला TET 2011 में हुआ था, जो कि बहुत धांधली वगैरह भी हुई थी। तो TET इसी के लाया गया तभी से, क्योंकि पहले BEd बहुत कम लोग करते थे, BEd वगैरह तो स्टूडेंट्स कम होते थे, तो आसानी से मेरिट के बेसिस पे उन्हें एज ए टीचर अपॉइंट कर लिया जाता था, जिस हिसाब से वैकेंसी होती थी आपके प्राइमरी स्कूल्स में और अपर प्राइमरी स्कूल्स में, यानी कि जूनियर लेवल के स्कूल्स में। बाद में BEd वालों की संख्या बहुत बढ़ गई, तो बहुत ज़्यादा BEd वाले हो गए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि TET को ला दिया कि आप BEd के बाद TET दीजिए, उसके बाद आप TET के बाद क्वालिफाई होते हैं, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दिया गया, उसके बाद क्वालिफाई होते हैं तो आप जब जब वैकेंसी निकलती है तो इस बेसिस उस TET के बेस पे आपको वहाँ पे एज ए टीचर अपॉइंट किया जाएगा। तो ये सही भी बात है। तो TET इसलिए कराया जाता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद जब BEd कर लिए होते हैं, या तो BEd कर लिए होते हैं या तो BTC कर लिए होते हैं, तो दोनों चीज़ों को यदि कर लिए होते हैं तो उसके बाद आपको फिर TET देना पड़ता है। TET इसलिए देना पड़ता है कि क्योंकि BEd और BTC वालों की संख्या ज़्यादा है, जितनी वैकेंसी निकलती है उससे कहीं ज़्यादा BEd और BTC वाले हैं, तो कैसे लेंगे, आपको कोई ना कोई एग्जाम तो देना ही पड़ेगा ना। तो वही आपको TET देना पड़ता है। फिर वहाँ से आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स उनकी सबसे डिसाइड होता है। यदि आप उस क्वालिफिकेशन मार्क्स के आगे जाते हैं, तब आपको जब वैकेंसी आती है तो उस TET के बेसिस पे आपको वहाँ पे सीट मिलती है। आपको या तो प्राइमरी स्कूल से बात करें या तो अपर प्राइमरी स्कूल जूनियर स्कूल से बात करें। तो यदि आप BTC कर लिए होते हैं तब भी, यदि आप BEd कर चुके होते हैं तब भी आपको TET क्वालिफाई करना होता है, तो आपको तब जाके आप वहाँ पे अपॉइंट होते हैं टीचर। तो TET हर राज्य में लगभग अलग अलग TET करा जाता है, जैसे UP TET, राजस्थान TET, पंजाब TET, तो हर राज्य का अलग अलग अपना TET होता है, हर राज्य अपना अलग अलग TET कराते हैं। और उसी बेस पर जब वैकेंसी आती है, खासकर BEd वालों की या BTC वालों को, तो इसी बेस पर उनका वहाँ पे सलेक्शन होता है। तो यही TET का मेन पर्पज़ है कि आपको BEd के बाद या BTC के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि सिंपल, जिसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह और हिंदी के सिंपल से 10th लेवल के क्वेश्चन होते हैं। और यदि आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आप उसके बाद एक स्टेप और बढ़ जाते हैं कि जब कभी भी वैकेंसी आती है, मान लीजिए फ्यूचर में, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये नहीं कि आप यदि TET क्वालिफाई कर लिए तो आप टीचर ही हो गए, फिर उसमें भी आप कट ऑफ मार्क डिसाइड होता है कि मान लीजिए आपने 120 नंबर पाया है तभी आप जाके, मान लीजिए मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यदि आपने उस साल का कट ऑफ मार्क 120 डिसाइड हुआ है, तो यदि आप 120 के ऊपर होंगे तब जाके आप टीचर हो पाएंगे। तो ये पूरा सिनेरियो है आपके TET का और BEd BTC का। तो आशा आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो कुछ डाउट आपके क्लियर की होगी TET के बारे में। यदि आप TET के बारे में और उसके प्रोसीजर और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। कोई कन्फ्यूजन और है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और यदि आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।